नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनवेश। आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोजेक्ट और आइए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। जैसा कि पिछली वीडियो में देखा आपने, हमने ये प्रोडक्ट डिटेल्स और ये सारी चीज़ें जो हैं रिलेटेड आइटम्स, ये सब कुछ हमने तैयार कर लिया है। लेकिन क्या है कि अभी तक हमने इनको कुछ स्टाइल्स नहीं दी है, जैसे कि आपको ये सारा दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर में भगा हुआ, ये सारा कुछ हमें स्टाइलाइज करना है इस वीडियो में। और इस पर सब शैडोज देने हैं, ये सारे कुछ ट्रैक पे लाना है, इसकी साइज़ इंक्रीज़ करके इसके बराबर करनी है जो देखने में थोड़ा सा खूबसूरत दिखे। तो सारा कुछ हम करते हैं अपने कोड एडिटर पे चल के, पहुँचते हैं कोड एडिटर पे और यहाँ पे आते हैं अपने स्टाइल डॉट सी एस एस पे और फूटर से ऊपर पहुँच करके हम कोडिंग अपना स्टार्ट करते हैं। फूटर या ओके, यहाँ पे हम दे देते हैं पहले कमेंट जिससे पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिटेल्स पेज स्टाइल, ओके कंट्रोल एस टू सेव। देन यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट नाम की हमने एक आईडी बना रखी है, कहाँ पे है ये आपको दिखाते हैं। पहुँचते हैं अपने डिटेल्स के पेज पे और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कंटेंट, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी आईडी है कंटेंट की, जिसके अंदर कंटेनर बना हुआ है, ठीक है। और इस आईडी का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे स्टाइलाइज करने के लिए, जहाँ से ब्रिट का स्टार्ट हुआ है, मेन है हमारी ये आईडी कंटेनर, ठीक है ना। तो आते हैं अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में और यहाँ पे इस कंटेनर को देते हैं स्टाइल। इसके लिए क्या करना है हमें, इसके लिए अच्छा पहले ये कर लेते हैं ना कि कंटेंट को डायरेक्ट हम स्टाइल नहीं देंगे। इसके अंदर एक क्लास हमारी है प्रोडक्ट मेन की, उसको हम पहले ढूंढते हैं, हम उसको स्टाइलाइज करेंगे, है ना। प्रोडक्ट मेन की कौन सी क्लास है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये शॉप नहीं, डिटेल्स में हम हैं और यहाँ पे ढूंढते हैं प्रोडक्ट मेन, प्रोडक्ट मेन, ये देखिए यहाँ पे है प्रोडक्ट मेन और ये है उसी हमारे कंटेंट के अंदर, ठीक है। तो हम पहुँचते हैं स्टाइल पे और इसको करते हैं पहले स्टाइलाइज। तो ये भी हमारी है आईडी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, ये आईडी है। तो हम आईडी के तरह इसको भी हैश साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट मेन, क्योंकि वहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं कोई गड़बड़ी ना हो जिससे, या प्रोडक्ट मेन। और इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ी सी स्टाइल। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको मार्जिन देंगे बॉटम से, मार्जिन दे देंगे बॉटम से, कितने दे देंगे 30 पिक्सल्स कर देते हैं, उतना तो बहुत है हमारे ख्याल से, ठीक। अभी आते हैं इससे बाहर, इसका काम ख़त्म हुआ, आते हैं इससे बाहर और इसी के अंदर एक प्राइस है जो कि आप देख रहे होंगे वहाँ पर, हम प्राइस का बार बार यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक, और वो है क्लास प्राइस की पैराग्राफ में जैसे यूज़ कर रहे थे, जो यहाँ पे हमने, यहाँ पे हमारी डिस्प्ले हो रही थी प्राइस, इसकी बात हो रही है यहाँ पे इसकी, ठीक है। तो आ गए हम इस पर और इसके लिए क्या, इसका हम पहले कर देते हैं फॉन्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ हमारा हो जाएगा 30 पिक्सल्स। देन हम फॉन्ट वेट की बात कर लेते हैं, फॉन्ट वेट हो जाएगा 300। देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं इसको, ठीक है, और मार्जिन टॉप से इसको देते हैं थोड़ा सा नियरली 40 पिक्सल्स, ठीक है। देन आते हैं इसके नीचे और यहाँ पे हमारी है एक मेन इमेज नाम का, डिटेल्स में जाएंगे मेन इमेज, ये आप देख पा रहे होंगे एक आईडी बनी हुई है मेन इमेज, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा शैडो वगैरह देनी है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लाते हैं। और क्योंकि है वो भी कंटेंट के अंदर ही, तो हम चलते हैं पहले कंटेंट को कॉल करते हैं और वो भी है एक आईडी, तो हम डबल हैश लगा के इस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम दे देते हैं बॉक्स शैडो, पहले देते हैं 0, फिर देते हैं 1px, फिर दे देते हैं यहाँ इसको 5px। देन हम आते हैं RGBA पर और इसको देते हैं 0, फिर 0, देन 0, देन 0.7, ओके। और दूसरी चीज़ आ जाते हैं इसके नीचे और यहाँ पे हम कुछ और स्टाइल्स देते हैं, जैसे कि एक है आपका मेन इमेज तो हो ही गया, एक है आपका थम्स, थम्स नाम का हमने यहाँ पे एक आईडी बना रखी थी अपने डिटेल्स में, जैसे कि आपको दिखाते हैं हम थम्स, ये थम्ब है ना, थम्ब नाम की एक क्लास है एक्चुअली में, ये
बट क्लास तो नहीं होना चाहिए था, इससे आईडी होनी चाहिए थी, बट और भी जगह होगा। के अंदर इनका टैग है तो नो प्रॉब्लम, हम इसको कर देते हैं आईडी, क्योंकि इससे हमें आईडी ही रखना था। आप भी कर लीजिएगा, या तो रहन दीजिए, क्लास ही कर देते हैं हम, वहाँ पे क्लास ही ले लेते हैं ना इसका स्टाइल में। जैसे कि यहाँ पे हमें लेना है तो यहाँ पे हम लेते हैं पहले कंटेंट को, ठीक है, कंटेंट के बाद हम क्लास में ले लेते हैं थम्स को, थम को, देन इसके अंदर जो एंकर टैग है हमें उसी की बात करनी है, तो उसको हम कर देते हैं डिस्प्ले पहले, डिस्प्ले, और डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक में, क्यों सही रहेगा ना, डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक में, ठीक है। उसके बाद करते हैं बॉक्स शैडो, उसको भी दे देते हैं थोड़ी सी, उसको शैडो क्या देते हैं, उसको पहले आप दे दीजिए 0, फिर दे दीजिए 1px, फिर दे दीजिए 5px, फिर दे दीजिए RGBA में कितना 0, देन 0, देन 0, देन 0.2, ओके ओके ये हो गया। अभी चलते हैं बॉर्डर देते हैं इसको थोड़ा सा, बॉर्डर क्या देते हैं पहले करते हैं सॉलिड, ठीक है, 2px कर देते हैं सॉलिड में, 2px करके ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इसको, सॉरी ट्रांसफॉर्म और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ओके ट्रांसपेरेंट, ओके ओके। अब आते हैं हेडलाइन पे, यहाँ पे हमने एक क्लास और बना रखी है हेडलाइन के नाम से, पहले हम जाते हैं कंटेंट पे, कंटेंट पे, और एक क्लास है हमारी हेडलाइन की, ठीक है, जो कि बूटस्ट्रैप क्लास ओवरराइड कर रहे हैं उसको, हम हाइट दे देते हैं उसको 350px, देन अगर सब कुछ सही है तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और करते हैं इसको रिफ्रेश और देखते हैं अपना आउटपुट। ये तो हमारी मेन साइट एग्जिस्टिंग साइट है, अब चलते हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, आ गए वहाँ पे और इसको करते हैं हम रिफ्रेश और देखते हैं अपना आउटपुट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारा का सारा हमारा मिडल में आ गया, इस पे आपका ये हो गया, यहाँ पे ये इस पे मार्जिन मिल गई थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ा सा शैडो आ गया, चीज़ें जो हैं ये इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो गई, तो जो भी स्टाइल्स हम चाहते थे यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, करते हैं आगे का काम, क्योंकि ये पेज हमारा हो चुका है टोटल कंप्लीट। अभी हमारे बहुत सारे पेज बनाने हैं, जैसे कि एड टू कार्ट का हो गया आपका, और माय अकाउंट शॉपिंग कार्ड, अबाउट अस सर्विसेज कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ हम करेंगे धीरे धीरे, नो प्रॉब्लम, बने रहें आप हमारे साथ और देखते रहिए PHP प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।